राज्य सरकार ने एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की परीक्षा में गड़बड़ी की है। राज्य सरकार बार बार छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, ऐसा आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सोमवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मेडिकल चौक में आंदोलन किया गया। इस दौरान उनका कहना था कि राज्य सरकार ने एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की परीक्षा में गड़बड़ी की है। राज्य सरकार बार बार छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि राजेश टोपे को पद से इस्तीफा देना चाहिए। इस संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष पारेन्द्र पटले ने अधिक जानकारी साझा की। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज विद्यार्थी के भविष्य के साथ प्रश्न उपस्थित किया है। आप सबको पता है जब शिक्षण अर्हता व्यक्ति जब परीक्षा ले गई तो पहली बार कोई कारण न देते हुए परीक्षा रद्द की गई। उसके बाद परीक्षा सितंबर में ली गई तो उस समय जो हॉल टिकट में जो सेंटर था कोई चाइना दिखाया गया तो कोई 500 किलोमीटर दूर अंदर का सेंटर दिया गया। उसके बाद कल जो पेपर 10 बजे का होना था वो 10 बजे ना होते हुए 12 बजे 1 बजे और वहाँ पे जब पेपर आए गए तो पेपर पूरी तरह बिखरे हुए थे, उनके सब सिर फूटे हुए थे। मुझे लगता है सरकार ये सब नशे में है और ये सरकार गंजेटी के समर्थन में आज आगे आ रही है। पर जहाँ विद्यार्थी का जो विचार है वो ये सरकार कर नहीं पा रही है। उन्होंने इस दरमियान स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।